दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ा चुके हैं, तो अभी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के समरी को बताने जा रहे हैं। तो अभी हम बताना स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के समरी को जो दे रखा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है वो टोटली रेफर करता है वैसा हेल्थ जो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशियली वेल हो। हमारा नेशन जो है सबसे पहले स्टार्ट किया था बहुत सारे प्लान नेशनल लेवल पे, जो कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी चाहता है। काउंसलिंग और क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस एंड एसोसिएटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इंक्लूडिंग एड्स इटीसी इज द प्राइमरी स्टेप। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंक्लूडिंग एड्स प्राइमरी स्टेप टुवार्ड्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। काउंसलिंग करना और अवेयरनेस फैलाना लोगों के बीच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलसेंस के बारे में और उससे रिलेटेड चेंज के बारे में, सेफ और हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में और सेक्सुअली इन्फेक्शंस के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में जिसमें आता है एड्स, जो कि प्राइमरी स्टेप्स है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके। प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी एंड केयर टू द प्रॉब्लम्स लाइक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी जो दिया जाता है, प्रोवाइड करा जाता है, और केयर जैसे कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के लिए, प्रेगनेंसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स के लिए और डिलीवरी के लिए और मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, पोस्ट नेटल चाइल्ड के लिए और मेटरनल मैनेजमेंट दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स का। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जो होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वो लिया जाता है हमारे कंट्री में, और इंडिकेट होता है रिड्यूस मेटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से, जो कि अर्ली डिटेक्शन है, क्योर है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का, जो कि असिस्ट करता है इनफर्टाइल कपल को। इम्प्रूवड हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन प्रोमोटेड एंड एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटीज और बेटर लिविंग कंडीशन जो है वो प्रमोट करता है एक्सप्लोसिव ग्रोथ पॉपुलेशन को, जैसे कि ग्रोथ नेसेसिटी इंटेंस प्रोपगेशन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ग्रोथ नेसेसिटी जो होता है वो प्रोपोगेट करता है ग्रोथ नेसेसिटी इंटेंस प्रोपोगेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सच ग्रोथ इस तरह के ग्रोथ जो होता है ग्रोथ जो होता है वो प्रोपोगेट करता है इंटेंस प्रोपोगेशन करता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का भी, जो कि वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन अवेलेबल है हमारे हमारे यहाँ, जो कि नेचुरल है, ट्रेडिशनल है, बैरियर है, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, पिल्स है, इंजेक्टेबल है, इम्प्लांट्स है, सर्जिकल मेथड है। दो, कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो रेगुलर रिक्वायरमेंट नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। वन इज फोर्स टू यूज देम टू अवॉइड प्रेगनेंसी और डिले और स्पेस प्रेगनेंसी। इसे जो होता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए और डिले करने के लिए स्प्रेस प्रेगनेंसी के रूप में यूज किया जाता है। मेडिकल टर्मिनेंसी जो होता है प्रेगनेंसी का वो लीगलाइज है हमारे कंट्री में। MTP जो होता है जनरली परफॉर्म होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी का, जो कि रेप के वजह से या कॉजुअल रिलेशनशिप के वजह से होता है, और कुछ केसेस में जो कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है वो हार्मफुल हो जाता है और इवन फैटल हो जाता है मदर के लिए या फिटस के लिए, दोनों के लिए। इन्फेक्शंस और डिजीज ट्रांसमिटेड जो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, स्टिल्ट बर्थ, इनफर्टिलिटी जो होते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इनके। अर्ली डिटेक्शन जो होता है अर्ली डिटेक्शन फैसिलिटी जो होता है बेटर क्योर करता है ऐसे डिजीज का, जो कि अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स हमें अवॉइड करना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स और नॉन और मल्टीपल पार्टनर से, और यूज करना चाहिए बैरियर मेथड का, जो कि कॉन्डम है ड्यूरिंग क्वाइटस, और सम ऑफ सिंपल कुछ प्रिकॉशन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होने से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट से। इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इवन आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोविशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इनएबिलिटी होना प्रेगनेंसी कंसीव करने में इनेबल होना
जबकि आप 2 सालों से अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, तो उस अगर फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रही है कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी, तो उसको हम बोल सकते हैं ये इनफर्टिलिटी है। वेरियस मेथड्स आर नाउ अवेलेबल टू हेल्प सच कपल, तो ऐसे कपल को हेल्प करने के लिए बहुत सारे मेथड डेवलप हो चुके हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय द ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का ट्रांसफर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एक ऐसा मेथड है जो कि कॉमनली जाना जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से। तो इसी के साथ समरी ख़त्म हो गया इस चैप्टर का, जो कि इस चैप्टर के सारे बातों को बता दिया है। अब मैं इस चैप्टर को मतलब ट्रिक्स बताऊंगा जो कि इजीली से जो भी चीज़ है इसमें याद करने वाला इजीली याद हो जाएगा। तो अभी हम समरी बस 5 मिनट में ख़त्म करते हैं।